आज 10+2 का अध्याय नंबर 3 कविता का नाम कविता के बहाने और कवि है कूर नारायण सिंह। इस कविता में कवि ने यह जो कविता है यह चिड़िया की यात्रा से आरंभ होती है और फूल का स्पर्श करते हुए बच्चों पर आकर के समाप्त हो जाती है। इस कविता में कवि ने चिड़िया की उड़ान को सीमित होना बताया है, परंतु कविता को नहीं, क्योंकि कविता जो है वो काफी समय तक चलने वाली होती है। इसके बाद कवि ने इस कविता में फूल का वर्णन किया, फूल खिलता है, कुछ समय के बाद वो मुरझा जाता है। इसके बाद कवि ने बच्चे का वर्णन किया कि जो बच्चों के खेल की जो सीमा है वो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, छोटे छोटे बच्चे काफी दूर तक खेलते हैं, सभी घरों को वो अपना घर मानते हैं। कविता का क्षेत्र चिड़िया की उड़ान से बहुत ज्यादा बड़ा है। एक कवि ने कहा भी है, जहां मैं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता उस स्थान पर कवि आसानी से पहुंच सकता है। अब आप इसकी सप्रसंग व्याख्या देखें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता के उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कहता कविता एक उड़ान है, कविता भी उड़ती है चिड़िया के बहाने, चिड़िया के बहाने से जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार जो कविता है वो भी अपनी उड़ान लेती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, जो कविता की उड़ान है कविता किस प्रकार उड़ती है उसके उड़ने का चिड़िया को बिल्कुल भी पता नहीं होता। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर जाती है भीतर जाती है, एक घर में जाती है दूसरे घर के अंदर भी जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, चिड़िया को इस बात का पता नहीं लगता, माने पता लगना, चिड़िया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कविता किस प्रकार पंख लगा करके आकाश के अंदर या एक दूसरे इंसान के पास कैसे पहुंच जाती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जिस प्रकार फूल खिलता है उसी प्रकार कविता भी खिलती है। कविता खिलना भला फूल क्या जाने, कविता किस प्रकार खिलती है फूल का इस फूल को इसका बिल्कुल पता नहीं लगता। वह भी बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर जाती है भीतर जाती है, इस घर जाती है और दूसरे घर भी जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मुरझाने के बाद उसकी जो खुशबू है वो बिल्कुल सदा के लिए चली जाती है। जब फूल खिलता है उसके अंदर खुशबू होती है और जब फूल मुरझा जाता है तो उसकी जो खुशबू है बिल्कुल समाप्त हो जाती है, लेकिन फूल को इस बात का पता नहीं है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार ये कविता भी एक खेल है। बाहर भीतर, बाहर जाती है भीतर चली जाती है, यह घर वह घर, एक घर में चली जाती है दूसरे घर में चली जाती है। सब घर एक कर दे के माने, सभी घरों को वो एक सा ही समझती है। बच्चा ही जाने, जो बच्चा होता है उसके लिए सारे घर समान होते हैं, कोई घर छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, न ही कोई उसके लिए कोई दुश्मन भी नहीं उसका। वो प्रत्येक घरों में जाता है और उस घर के अंदर बड़े प्यार के साथ खेलता है। इस कविता के आपने कठिन शब्द लिखने हैं, साथ में इसकी सप्रसंग व्याख्या साफ साफ और सुंदर ढंग से इसको करना है। धन्यवाद।